वंदे भारत एक्सप्रेस में रेल मंत्री जी ने पूरा दिल्ली से वाराणसी तक का सफर किया। सर बचपन के बाद लग रहा है इतना लंबा सफर फिर से हुआ होगा, कैसा रहा यादगार? सही बात है, पहले छोटे थे तब मुंबई से दिल्ली कई बार आते थे तो ऐसे लंबे सफर का स्वाद मिलता था। आज ये भारत पे बनाई हुई इतनी मॉडर्न ट्रेन में जो आज यात्रा करने का सौभाग्य मिला और आप सबकी कंपनी मिली उसमें तो ये आनंद ही आनंद रहा। इस सर कल एक बड़ा इंसिडेंट हुआ देश में उसको लेकर आए, लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस चलाकर सरकार ने और देशवासियों ने भी एक संदेश दिया कि हम कमजोर नहीं, क्या कहें? बहुत ही दुखद घटना थी, हमारे वीर जवानों ने देश के खातिर अपने जान निछावर कर दी। मैं समझता हूँ सुप्रीम सैक्रिफाइस देने वाले सभी जवानों के प्रति मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा, उनके परिवारों को शोक देना चाहूँगा कि इतनी बड़ी क्षति उनके ऊपर पहुँची है, भगवान उनको हिम्मत दे कि वो उसको सहन कर सकें। लेकिन आतंकवाद का जो इरादा है अगर उसको हमें विफल करना है, अगर उसको फेल करना है तो उसका एकमात्र रास्ता ये है कि एक तरफ सेना के हमारे जवान मुंह तोड़ जवाब सीमा पे दें और दूसरी तरफ पूरा देश एकजुट होकर ऐसी चुनौतियों का मुकाबला करे। देश कभी डरे नहीं, कि देश का मनोबल कभी कमज़ोर ना हो, हम विकास के मार्ग पे तेज गति से आगे बढ़ें, हम सब मिलजुल के अमन और शांति की प्रतिज्ञा लें, हम राजनीतिकरण ना करें घटनाओं का, इस उससे उठकर देश निर्माण के काम में अगर हम सब लग जाते हैं तो ये आतंकवादियों को उससे बड़ा थप्पड़ और कुछ नहीं हो सकता है। जवान सेना सीमाओं के ऊपर उनको मुंह तोड़ जवाब दें, जनता देश भर में उनके जो सोच है उसको नाकाम। सर एक बार फिर से देश में सर्जिकल स्ट्राइक की डिमांड हो रही है, फिर से लोग कह रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक चाहिए फिर से, क्योंकि इस देश के लोगों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पे पूरा विश्वास है और मैं समझता हूँ आज मोदी जी ने सुबह पूरी छूट दी है हमारे सेना के जवानों को, अधिकारियों को, ऐसा संदेश आज सुबह ही नई दिल्ली में दिया है।